क्या मोबाइल से आपकी जान को हो सकता है खतरा, क्या मोबाइल से फैल सकता है कोरोना वायरस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौनक और आज इन्हीं फैक्ट्स को आप जानने वाले हो। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों, क्या मोबाइल से हो सकता है कोरोना वायरस? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, हाँ, मोबाइल से कोरोना वायरस फैल सकता है। और सिर्फ मोबाइल से ही नहीं, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आपका आईपैड है, आपका मोबाइल है, आपका पीसी है, आपका लैपटॉप है, आप एक बार ध्यान से अगर सोच के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मोबाइल को या आपके पीसी को या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम तो कभी साफ ही नहीं करते। जी हाँ, कीबोर्ड को आप देख लीजिए, आपके जो कंप्यूटर का पीसी का जो कीबोर्ड है वही आप देख लीजिए, उसी को आप कभी भी साफ नहीं करते। सिर्फ उस पर हम लोग टाइप करते हैं, जबकि कीबोर्ड पे सबसे ज्यादा हम टाइप करते हैं, मोबाइल को सबसे ज्यादा बार हम छूते हैं। तो इसमें अभी इस कंडीशन में हम कर क्या सकते हैं कि इस कंडीशन में एक लिंट फ्री क्लॉथ आता है। लिंट फ्री क्लॉथ अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जिनको नहीं पता कि लिंट फ्री क्लॉथ क्या होता है, वो अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आप देखिए। इसको कहते हैं लिंट फ्री क्लॉथ। जी हाँ, जो हम चश्मे के जो डब्बे में आता है उसको कहते हैं। तो एक लिंट फ्री क्लॉथ लीजिए और एक जो एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है, एल्कोहलिक सोल्यूशन लीजिए। एल्कोहलिक सोल्यूशन आप किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एल्कोहलिक सोल्यूशन से आप मोबाइल को हल्का सा, ज्यादा अप्लाई मत कीजिए, मोबाइल को हल्का सा साफ कीजिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मोबाइल को छूते हैं दिन में। आप एक बार अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको ये मिलेगा कि आप दिन में कुछ भी करते हो तो आप मोबाइल को छूते ही छूते हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल में एक्चुअली, मोबाइल आजकल की दुनिया में मोबाइल के अलावा हम चल ही नहीं सकते, और खासकर जो यूथ होते हैं। और हमारे, आप यकीन नहीं करोगे, हमारे जो टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट से ज्यादा जर्म्स, मतलब टॉयलेट के डबल भी बोल सकते हो, टॉयलेट से डबल जर्म्स जो होते हैं वो हमारे मोबाइल में होते हैं। और हम ज्यादातर मोबाइल को ही छूते रहते हैं। किसी किसी को मैंने देखा है खाते खाते भी एक हाथ में मोबाइल लेके कुछ कर रहा है, एक हाथ से खा रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम पहले तो खाने से पहले हम हाथ साफ करते हैं, हाथ धोते हैं, चलो हमने धो लिया हाथ खाने से पहले, साबुन से धो लिया, अच्छे से धो लिया, लेकिन खाना खाने से पहले फिर से हमने उस मोबाइल को छू लिया, हमने देखा कोई मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मोबाइल को हमने छू लिया। तो इससे क्या है, जर्म्स ट्रांसफर हो गई, तो इससे कोरोना वायरस का फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो आप अभी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे चारों तरफ की मास्क यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, वो यूज कीजिए। तो सबसे पहले तो आप सबसे पहले अगर मास्क को भी, हाँ, मास्क को भी ज्यादा टाइम तक यूज मत कीजिए। मास्क को भी वैसे तो एक जो कपड़े का नॉर्मल मास्क होता है उसको आप एक दिन से ज्यादा तो पहनना ही मत, और जो डिस्पोजल मास्क होता है उसे दो घंटे से ज्यादा पहनने का कोई मतलब, दो घंटे से ज्यादा पहनोगे तो उसपे जर्म्स आ सकती है। तो ऐसे में अगर हम जो नॉर्मल जो कपड़े वाला जो पिंक कलर का आजकल निकला है, पिंक कलर का, ब्लैक कलर का, पता नहीं कौन कौन से कलर का, तो वो मास्क थोड़ा महंगे आते हैं, 30 रुपए 40 रुपए ऐसे करके आते हैं। और आजकल जो है मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उनका जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, चाहे डिस्पोजल मास्क के लिए बोलो चाहे इन मास्क के लिए बोलो। डिस्पोजल मास्क 7 रुपीज की आती है, जिसको हम सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं। तो वो मास्क पे मैं रिकमेंड करूं कि वही मास्क यूज करें, क्योंकि वो मास्क थोड़ा सस्ता भी आता है, लेकिन अभी मतलब इनका जो डिमांड है वो बढ़ गया है, तो उस मास्क का भी प्राइस शायद बढ़ गया होगा। तो वो मास्क 10 एक पैक में या 20 एक पैक में ऐसे आता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा तो आप एटलीस्ट एक दिन में एक मास्क यूज करें, क्योंकि अगर ज्यादा आप यूज करेंगे उसको तो उसमें भी वायरस आ जाएगा, और उसमें भी लिंट जो होता है, जो हम रोआ बोलते हैं देसी भाषा में, रोआ, उसमें भी वो रोआ आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप बाहर भी जा रहे हैं कहीं, तो बाहर जा रहे हैं तो मास्क को पहन कर जाना ही है, सैनिटाइजर से आप हाथ धोइए। और जी हाँ, मैंने एक सर्जिकल ग्लव्स लिए हुए हैं, सर्जिकल ग्लव्स से भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसे कहते हैं सर्जिकल ग्लव्स। जी हाँ,
हम पहले इसको कलर करने के लिए बालों में कलर लगाने के लिए ये ग्लव्स यूज करते थे, इसको सर्जिकल ग्लव्स कहते हैं, बेसिकली ये सर्जिकल चीजों में यूज होता है। तो इन ग्लव्स को आप बाहर पहन के, क्योंकि बाहर आप कहाँ बस में जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी और को छू रहे हो, किसी क्राउडेड एरिया में है, कुछ मतलब जो पब्लिक प्लेस है उस पे है, किसी जो पब्लिक की चीज है, कोई मतलब ऐसे ही डस्टबिन को टच कर रहे हो, कोई आप लैंप पोस्ट पे ऐसे हाथ दे खड़े हो, तो आप, मैं इसे रिकमेंड करूंगा कि देखो मास्क पहनने से, या आजकल के जो यूथ है वो मतलब हेलमेट नहीं पहनती, कुछ प्रोटेक्शन नहीं लेती, तो देखो मास्क पहनने से या कोई ग्लव्स पहनने से हाथ में, तो आपकी जो कूलनेस है वो नहीं जाएगी, क्योंकि ये आप अपने प्रिवेंशन के लिए कर रहे हो भाई, अपने प्रिवेंशन के लिए करो। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि, अरे हाँ, सैनिटाइजर का मैं बता रहा हूँ कि आजकल तो बहुत सारे सैनिटाइजर निकल चुके हैं, वो छोटा भीम वाला बच्चों के, लेकिन हाँ वो जो सैनिटाइजर है छोटा भीम वाला, वो सिर्फ बच्चों के हाथ क्लीन करता है, बड़ों के एडल्ट के हाथ वो क्लीन नहीं करता। एडल्ट के हाथ को क्लीन करने के लिए जो है 60% एल्कोहल वाला, एट मिनिमम 60% एल्कोहल वाला सैनिटाइजर आपको लेना ही है, वरना वो किसी काम का नहीं रहेगा। अभी मैं एल्कोहल को पीने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उसको पी मत जाना गलती से भी, उसके आपको हाथ साफ करना है। और जो मोबाइल और लैपटॉप या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी आप अगर साफ करते हो, तो उसे भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन से ही साफ करो। तो मैं आशा करूंगा कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को ज्यादातर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग इसे देखे, लाइक करे, शेयर करे। तब तक के लिए टेक केयर, बच के रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।